अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उर्दू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग अपने आईफोन से एप्पल आईडी को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने आईफोन पर एप्पल आईडी लगाकर उसका पासवर्ड भूल गए हैं और आप लोग उसको साइन आउट करना चाहते हैं लेकिन आपको उसके पासवर्ड का नहीं पता, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो हम इसके लिए यूज करेंगे फोन्स को आईफोन अनलॉकर सॉफ्टवेयर को। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाएं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ टाइप्स के जो स्क्रीन लॉक हैं वो रिमूव कर सकता है, आईफोन लॉक टू ओनर को बाईपास कर सकता है, एप्पल आईडी को रिमूव कर सकता है और भी काफी ज्यादा फीचर्स हैं इसके। ट्राई इट फ्री के बटन पर क्लिक करें, इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके मेन 6 फीचर्स हैं, जिसमें है अनलॉक स्क्रीन पासकोड, इसकी वजह से आप लोग आईफोन का स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हैं। अनलॉक आई क्लाउड एक्टिवेशन लॉक, इसकी मदद से आप लोग आई क्लाउड का एक्टिवेशन लॉक रिमूव कर सकते हैं। अनलॉक एप्पल आई डी, एप्पल आई डी को डिलीट कर सकते हैं अपने आईफोन से। टर्न ऑफ फाइंड माई आईफोन, आप लोग फाइंड माई आईफोन को डिसेबल कर सकते हैं तो आप लोग अपने आईफोन से स्क्रीन टाइम की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पासवर्ड है उसको रिमूव कर सकते हैं और MTM को बाईपास कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोग एप्पल आई डी को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। तो अनलॉक एप्पल आई डी के बटन पर क्लिक करें, उसके बाद अपने आईफोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट करें और यहां अनलॉक के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपने चूज करना है आपके फोन का स्क्रीन लॉक ओपन है या फिर नहीं। उसके बाद आपने सेटिंग्स में जाकर देखना है कि आपकी जो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो ऑन है या फिर नहीं। तो मैं इसको यस पे कर देता हूँ। तो उसके बाद ये आपको फर्मवेयर डाउनलोड करने का बोलेगा, तो यहाँ पर आप लोग सेफ पास चूज कर सकते हैं और यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दें। तो ये फर्मवेयर फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये कुछ टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। यहाँ से ये 10 से 20 मिनट ले सकता है, क्योंकि फर्मवेयर फाइल काफी लार्ज फाइल होती है तो उसको डाउनलोड होने में काफी टाइम लग सकता है। तो ये फर्मवेयर फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद अनलॉक नाउ के बटन पर क्लिक कर दें तो ये अनलॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये फर्मवेयर को वेरीफाई करेगा, फिर उसको अनपैक करेगा और फिर आपके एप्पल आईडी को अनलॉक करने लग जाएगा। यहाँ पर ये एस्टिमेट टाइम बता रहा है 10 मिनट। तो यहाँ पर कुछ वेट करें और अपने आईफोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट रहने दें और उसको तब तक ना उतारें जब तक ये सारा प्रोसेस 100% कंप्लीट ना हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं The Apple ID has been removed. तो आपके आईफोन से Apple ID रिमूव हो चुकी है, आपका आईफोन दोबारा से रीसेट होगा। तो अब आप लोग इसको विदाउट Apple ID यूज कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।